नमस्ते। मैं आज पहला वीडियो बना रही हूँ हिंदी में। पहले तो मुझे माफ़ करिएगा, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। एंड सेकंड थिंग, मेरा वर्क थोड़ा इधर उधर होगा बिकॉज मैं ट्रांजिशन कर रही हूँ फ्रॉम डिवाइन फेमिनिनिटी टू डिवाइन मास्कुलिन। तो फिर मेरा यू नो वर्ड्स में और मेरे सेंटेंस में उसका इम्पैक्ट दिखेगा। सो प्लीज़ मेरे यू नो वर्ड्स को इग्नोर करिएगा और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उस पर फोकस करिए। मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊँ सो दैट मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकूँ। स्पेसिफिकली मेरा इंटरेस्ट है कि जो आप सेपरेशन कॉन्शसनेस में हो, कि जो आपका सेपरेशन एक्सपीरियंस है आपके ट्विन फ्लेम के साथ, एंड वो आपको बहुत ही पेनफुल फील कराता है, राइट? ऐसा लगता है कि और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली वो ट्रू नहीं है। यू नो आपने काफ़ी सारा चीज़ देखा होगा, काफ़ी सारा वीडियो अवेलेबल है जो आपको बताते होंगे कि मतलब हो सक मतलब आई डोंट नो कि आप कितने ट्रूथ के साथ अलाइंड हो। तो एक्चुअली ट्रूथ इज़ कि ये जो सेपरेशन है इट्स जस्ट एन इल्यूजन। एंड सेकंड थिंग इज़ ये जो सेपरेशन है यू कैन जस्ट कम आउट ऑफ इट बाय योर चॉइस। सेपरेशन आप एक्सपीरियंस करते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर आप खुद से सेपरेटेड हो। ओके, एंड मैं आज डीपली शेयर करना चाहती हूँ, एंड मैं ये बात करना स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ डिवाइन फेमिनिन से, जिनके लिए काफ़ी तकलीफ़ होता है कि जब डिवाइन मास्कुलाइन सेपरेशन चूज़ करता है और आपको ब्लॉक करता है और दे रन, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आप अगर उस चीज़ को लॉजिकली देखना चाहोगे, सोशल एस्पेक्ट से देखना चाहोगे, तो आपको कोई कंक्लूज़न नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया। बट ट्विन फ्लेम का रिलेशन ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम का रिलेशन काफ़ी डीप होता है क्योंकि आप दोनों एक सोल हो, एक सोल और दो बॉडी है, तो एक कॉन्शसनेस है। जिस तरह से आप अंडरस्टैंड करते हो दुनिया को या पूरी लाइफ को, एग्जैक्टली सेम आपका ट्विन फ्लेम उसी से हिसाब से देखते हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना चाहिए कि वो इंसान कहीं चला गया, वापस आएगा कि नहीं, क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। ओके, क्योंकि जब आप खुद के अंदर हीलिंग करते हो और ख़ुद के लिए लव चूज़ करते हो, खुद को प्यार करते हो, तो सेम आपका ट्विन फ्लेम खुद के लिए चूज़ करेंगे, एंड स्लोली स्लोली देन योर यूनियन विल हैपन इन लव। ओके, तो क्या होता है कि जैसे आपका मैस्कुलाइन रन करते हैं आपसे, या तो फिर आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको मिरर कर रहे हैं। आपके अंदर ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप खुद से अलग रहना प्रिफर कर रहे हो, चूज़ कर रहे हो आप आपके खुद के ट्रू नेचर से दूर रहना, आप आपके खुद के डिवाइन गिफ्ट से दूर रहने की कोशिश कर रहे हो, और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि आपका मास्कुलाइन भी सेम चॉइस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आप नोटिस कर सकते हो कि जब आपके मास्कुलाइन रन करते हैं, तो एक बेसिक फंडामेंटल होता है कि आप दोनों एक स्पिरिचुअल असेंशन प्रोसेस में ऑलरेडी फ्लो हो रहे हो। ओके, मतलब ऑलरेडी यू हैव स्टार्टेड योर स्पिरिचुअल जर्नी, क्योंकि ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन एक स्पिरिचुअल यूनियन है। इट्स नॉट लाइक कि जैसे दूसरे सोलमेट के साथ रिलेशनशिप होता है, ये ऐसा नहीं है। तो इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी, इट्स लाइक आप असेंड करोगे आपके स्पिरिचुअलिटी पाथ पे, एंड आपका ट्विन फ्लेम भी सेम चूज़ करेंगे, एंड देन आप यूनाइट होते हो। तो क्या होता है कि जब
देखोगे कि आप मीट होते हो एंड आप देखते हो कि आपके जो सोल है, आपके अंदर का जो आत्मा है, सेम बिलीफ सेम वैल्यूज़ वाला एक इंसान सामने आपको दिखता है। आप आपके फीलिंग्स नोटिस कर सकते हो कि आप कितना ऐसे फील होता है। एक्चुअली सेम आपके मास्कुलाइन को भी फील होता है क्योंकि वो भी देखते हैं कि अपने मतलब आप एग्जैक्टली मेरे जैसे इंसान और एक फेमिनाइन बॉडी में है, मेरे जैसे ही बात करते हैं, तो फिर उस चीज़ में ना वो भी मतलब बौखला जाते हैं कि मतलब ये क्या हो रहा है करके। फिर जब ये टॉर्मल होता है ना इमोशंस एंड ऑल दिस फीलिंग्स का, मास्कुलिन के केस में ना इफ़ दे आर नॉट लाइक अवेकेंड एंड दे हैव नेवर डील्ड विथ सच ए बिग इमोशन बिफोर, तो फिर वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं। इतना सारा इमोशंस एनर्जी जो बाहर आ रहा है उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से वो ये चूज़ करते हैं कि चलो ठीक है, मतलब ये सब रहने दो, मैं उसे अच्छा है कि कहीं और खुद को एंगेज कर लेता हूँ। एंड वो एक्चुअली आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस और आपके फीलिंग्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। आप यू नो ऑल दैट यू नीड टू डू, मतलब आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ये सीखना है आपके जो फीलिंग्स बाहर आ रहे हैं, ऑल दैट सैडनेस, ऑल दैट एंग्जाइटी, ऑल दैट रिजेक्शन, ऑल दैट अबैंडनमेंट, ये जो सारे फीलिंग्स आपके बाहर आ रहे हैं, ये आपको किस तरह से प्रोसेस करके आप किस तरह से पीस और लव फील कर सकते हो, ये एक्चुअली आपका ट्विन फ्लेम आपको शो कर रहे हैं। ओके तो आप ये सोचते हो कि कहीं कहीं ना कहीं आपका ट्विन फ्लेम वापस आ जाए और आप उनके साथ ये सारा फीलिंग्स शेयर करो, आप रिजेक्टेड फील कर रहे हो तो वो आपके पास बैठे आपको सुने, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली आपका ट्विन फ्लेम इंश्योर करता है कि आप कनेक्ट हो भगवान के साथ एंड यू एक्सपीरियंस योर ट्विन फ्लेम एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। तो जितना आप आपके इमोशंस को भगवान के साथ उसको एक्सपीरियंस करते हो एंड यू फील दैट पीस एंड हैप्पीनेस विद इन यू, तो फिर आपका ट्विन फ्लेम नेचुरली आपके पास वापस आता है। सेकंड थिंग आप नोटिस करोगे कि जैसे वो आपसे रन करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल मतलब वो एकदम से काम में बिजी हो जाएंगे या तो फिर वो अल्कोहल लेना स्टार्ट करेंगे या तो फिर एक्सट्रीम केस में वो किसी और के साथ एंगेज होना स्टार्ट करेंगे। वो इसलिए करते हैं कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स बाहर आ रहा है उसको कैसे हैंडल करना है नहीं पता एंड वो उसको नंब होना मतलब अवॉइड करना, उस फीलिंग को अवॉइड करना चाहते हैं, तो इसलिए अल्कोहल ले लिया तो भूल जाएंगे या दूसरे काम में बिजी हो जाएंगे तो फिर ये याद नहीं आएगा। ये मैंने बहुत देखा है इवन विथ फॉल्स ट्विन फ्लेम, क्योंकि फॉल्स ट्विन फ्लेम में भी सेम फीलिंग्स आता है, तो इमिडिएटली नेचुरल टेंडेंसी रहता है कि पूरा काम में बिजी हो जाओ। और आप नोटिस करोगे कि वो काम तो कर रहे हैं मैकेनिकली बट उनको वो जो सेटिस्फैक्शन है, वो हैप्पीनेस है, वो नहीं मिलेगा, वो फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा उनको। तो आप नोटिस करोगे कि कहीं ना कहीं आप भी नंब आउट हो रहे हो और कहीं ना कहीं आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो आपके फीलिंग्स को। और एक्सट्रीम केस में जो होता है कि वो आपसे रन करते हैं एंड दे लाइक अट्रैक्ट ए कार्मिक पार्टनर एंड फिर वो उनके साथ एंगेज होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ट्विन फ्लेम अगर मैरिड है तो फिर वो अपना रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ मतलब ऐसा दिखाते हैं कि मतलब उनका रिलेशनशिप उनके स्पाउस के साथ बहुत अच्छा है। तो एक्चुअली ट्रूथ है कि अगर रियली इतना अच्छा होता तो फिर वो आपको उनके लाइफ में अट्रैक्ट क्यों करते है ना। कहीं ना कहीं ये जो चॉइस है मिलना दोनों में है, इसकी वजह से आप मिल रहे हो, सो फील सेफ। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि मतलब वो जो अपने स्पाउस के साथ जाके अपने स्पाउस के साथ इतना हैप्पी लाइफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो ओनली थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से थ्रू ऑल दिस, जो आप ये सब इल्यूजन देखते हो कि वो अल्कोहल ले रहे हैं,
वो काम में बिजी हो गए हैं या वो अपने स्पाउस के साथ बिजी हो गए हैं, तो आप उससे परेशान मत होइए, ओके? क्योंकि आप द फंडामेंटल ट्रूथ जो है, आपको हमेशा ट्रूथ को ध्यान में रखना है कि आप दोनों एक सोल हो, ओके? एंड ऑल्सो नो कि सोल का पावर आपके पावर से ज़्यादा है, ठीक है? तो जो आपका सोल कर सकता है वो आप नहीं कर सकते हो, ओके? तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप आपके सोल के साथ कनेक्ट हो, ओके? कि सोचो कि एक सोल है और आप दो उसके हिस्से हो, तो अगर जैसे जैसे आप आपके सोल के तरफ कनेक्ट होते हो, असेंड होते हो आपके इमोशन से, तो पार्लली सेम चॉइस आपका ट्विन फ्लेम करता है, और फिर देन यू यूनाइट एंड यू मीट विथ गॉड, और यू मीट ऑन ए सोल लेवल, यू मीट इन योर डिविनिटी। तो आपको इतना करना है कि यू हैव टू मेक योर जर्नी थ्रू ऑल दिस सेपरेशन पेन, हील योर सेल्फ एंड कम इन यूनियन विथ गॉड, कम इन यूनियन विथ योर सोल दैट इज विद इन यू, ओके? And when you come into that alignment, it is a very magnetic force and that attracts your twin flame naturally. कोई कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप हील होते हो, आपका twin flame भी हील होता है। तो externally ये सब separation और illusion देख के परेशान मत होइए, ये कुछ भी नहीं है। आप जैसे जैसे हील करोगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखते जाएगा, ठीक है? और आप कभी भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं और बनाता रहूं वीडियोस, आपके साथ कनेक्ट होता रहूं, आपको सच्चाई बताता रहूं, ताकि आप सच्चाई के साथ रहोगे तो आपको पीस फील होगा। और कभी भी आप डीप जाना चाहते हो आपके अंदर, क्योंकि ये होता है कि आपके अंदर की जर्नी होती है कि जहां आप खुद के अंदर जाते हो, और इट्स अ वेरी पीसफुल जर्नी कि आपको पूरी दुनिया में लॉस नहीं होना, कुछ भी बाहर जाके नहीं करना, आपको सिर्फ आपके अंदर जाके ढूंढना है आप कौन हो। तो जैसे जैसे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आप रियली अंदर से कौन हो और आप खुद को आपके सच्चाई में देख पाओगे, तो आपका ट्विन फ्लेम भी आपको रिकग्नाइज करेंगे। तो इसलिए बाहर की चीज़ों से परेशान होने से अच्छा है कि आप अंदर जाने का रास्ता कैसे होता है, किस तरह से आप जा सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे आप इसको हार्मोनियस यूनियन को जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो उस डायरेक्शन में आपका एनर्जी डालिए। और जितना जल्दी आप हील करोगे उतना जल्दी आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, एंड मेरा फ्री कंसल्टेशन लिंक भी मैंने डाला हुआ है। आपको डीपर जाना है इस नॉलेज में, इन योर इनर जर्नी में आपका हेल्प कर सकता हूँ, ओके? एंड एनी क्वेश्चन, अगर कुछ आपको छोटा मोटा क्वेश्चन भी पूछना है वो आप पूछ सकते हो मेरे साथ, सो आई विल आंसर योर क्वेश्चंस आल्सो। थैंक यू।